नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, ये एक बड़ी बहस का विषय बन चुका है कि पृथ्वी पर जीवन के ज़रूरी तत्व क्या यहीं पर विकसित हुए थे या फिर बाहर से यहाँ पर आए थे। जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक घटक आखिर कैसे विकसित हुए या आए, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है और शोध का विषय बन गया। दरअसल इस पर भी काफ़ी रिसर्च हुई है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा जो कि साइंटिफिक है, इसलिए आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। दरअसल दोस्तों, जापान के वैज्ञानिकों ने उल्का पिंडों के विश्लेषण से ये बात दर्शाई है कि जीवन के रासायनिक घटक पृथ्वी पर गहरे अंतरिक्ष से आए थे। इस पुरातन समय में बने उल्का पिंडों में शुरुआती जीवन के घटकों को पाया जाना, यानी कि इन कॉम्पोनेंट्स का पाया जाना, इस अवधारणा को पक्का करता है कि पृथ्वी पर जीवन के घटक बाहर से आए थे। दोस्तों, शोधकर्ताओं की टीम ने बताया कि उन्होंने 3 कार्बन युक्त उल्का पिंडों में न्यूक्लोबेसिस का खोज किया है। दरअसल न्यूक्लोबेसिस नाइट्रोजन युक्त वे यौगिक होते हैं जो डीएनए की दोहरी सीढ़ीदार संरचना का निर्माण करते हैं। नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि शोधकर्ताओं ने बहुत से पायरिमिडाइन न्यूक्लोबेसिस जैसे कि साइटोसाइन यानी कि सी, यूरोसिल यानी कि यू, थाइमिन यानी कि टी और उनके जैसे संरचनात्मक जो आइसोमोर्स तत्व होते हैं उनकी पहचान की। और सबसे उल्लेखनीय बात दोस्तों ये है कि डीएनए भी सीयूटी, गुआनाइन यानी कि जी और एडेनाइन यानी कि ए जैसे तत्वों से बनता है और आरएनए ए, सी और जी का इस्तेमाल करता है। साथ ही थायमिन की जगह यूरासिल यानी कि यू का उपयोग करता है। दरअसल दोस्तों, शोधकर्ताओं ने 3 उल्का पिंडों का परीक्षण किया। इनमें से एक 1950 में अमेरिका के पास मरे शहर के पास गिरा था, दूसरा 1959 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के राज्य के मर्चिसन शहर में गिरा था और तीसरा साल 2000 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की झील टैगिश झील के पास गिरा था। सभी तीनों उल्का पिंडों पर जब अध्ययन किया तो पता चला कि ये जो तीनों उल्का पिंड थे वो कार्बेनिशियस चॉन्डेटिस या फिर सी चॉन्डेटिस श्रेणी के माने गए। दोस्तों, इन सभी कार्बन कॉन्डेटिस की उत्पत्ति उन पथरीले पदार्थों से हुई थी जो सौरमंडल के शुरुआती समय में बने थे। कार्बेनिशियस कॉन्डेटिस यानी कि सी कॉन्डेटिस कार्बन समृद्ध वे उल्का पिंड है जहां मर्चिसन और मरे उल्का पिंड में भार के अनुसार 2% जैविक कार्बन था। वहीं टैगिश झील में गिरे उल्का पिंड में 4% जैविक कार्बन था। जबकि दोस्तों, पृथ्वी के जीवों में कार्बन एक प्रमुख और मूल घटक माना जाता है। डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले कंप्लीट न्यूक्लोबेसिस की पृथ्वी से बाहर के स्रोतों से आने की पुष्टि अब इस बात को मजबूत करती है जिसके अनुसार उल्का पिंड पृथ्वी के शुरुआती जीवों की उत्पत्ति के लिए जरूरी यौगिक तत्वों में से एक प्रमुख स्रोत हो सकता है। वैज्ञानिक लंबे समय से दोस्तों ये बात जानने का प्रयास कर रहे थे कि पृथ्वी पर वे कौन से रहस्यमयी परिस्थितियां थी जब पृथ्वी पर रासायनिक पदार्थ गर्म पानी वाला हालत में एक ऐसे सूक्ष्म जीव के निर्माण का कारण बने थे जो खुद का प्रजनन कर सकता था। शोधकर्ताओं का कहना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित रासायनिक चरणों के बारे में अभी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये शोध केवल उन रासायनिक यौगिकों की जो लिस्ट है उसमें कुछ नया जरूर जोड़ेगा जिससे पृथ्वी पर जीवन के ठीक पहले की स्थितियों का पता चल सके। ऐसी स्थितियों को प्रीबायोटिक स्थितियां भी कहते हैं। वैज्ञानिकों के लिए इन स्थितियों के बारे में जीवाश्मों से मदद नहीं मिल पाई है और यही वजह है कि दोस्तों, जापान के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा रिसर्च किया है जिससे ये पता चल रहा है और धीरे धीरे इस गुत्थी को सुलझाया जा रहा है कि इस धरती पर ये जो जीवन प्रक्रिया शुरू हुई उसका आधार केवल पृथ्वी पर ही मौजूद तत्व नहीं बल्कि बाहर से आए हुए तत्व भी थे। और यही एक बहुत बड़ा शोध का विषय बना हुआ है जिस पर लगातार स्टडी जारी की है और जिस पर काम लगातार दिन रात चल रहा है। तो यही वजह है कि उल्का पिंडों के जरिए भी जीवन का स्रोत बताने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, यह है फिलहाल के लिए एक अपडेट जो कि स्पेस से जुड़ी हुई थी। मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। नमस्कार।